हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है फेयर प्ले और इसके राइटर हैं प्रेमचंद। फेयर प्ले का मतलब होता है, फेयर मीन्स उचित और प्ले यहाँ पे है व्यवहार, उचित व्यवहार। इसके जरिए अच्छी वोकैबुलरी सीखेंगे और ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखेंगे। स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे वर इसलिए है, प्लूरल है, क्योंकि ये दो लोग हैं, सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है। जुम्मन शेख और अलकू चौधरी थे अच्छे दोस्त, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वर्ब है। सो स्ट्रांग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। सो स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग, ताकतवर, वॉज देयर बॉन्ड, उनके बीच का रिश्ता था, ठीक है। यहाँ पे देयर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है कि उनका रिश्ता इतना स्ट्रांग था, फ्रेंडशिप का, दोस्ती का रिश्ता इतना ताकतवर था, दैट वेन ईदर ऑफ देम, दैट कि वेन, जब भी उनमें से कोई, ईदर ऑफ देम, इनमें से कोई वेंट अवे, दूर जाता था कहीं भी, फ्रॉम द विलेज, गाँव से, The other looked after his family. The other मतलब दूसरा व्यक्ति, looked after means देखभाल करना, his family उसके परिवार की। उनके बीच का जो बॉन्ड था, रिश्ता था, वो इतना गहरा था कि जब उनमें से कोई भी एक गांव छोड़ के दूर जाता था तो दूसरा व्यक्ति जो होता था वो उसके फैमिली या परिवार की देखरेख करता था। Both were greatly respected in the village. Both दोनों ही वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब उनका सम्मान किया जाता था, ग्रेटली अच्छी तरह से, वर बोथ है इसलिए यहाँ पे फिर से वर लगा है कि दोनों के दोनों की बहुत इज्जत थी उस गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन की एक ओल्ड, बूढ़ी आंटी थी, ठीक है, उनकी रिश्तेदार, रिश्ते में, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ जायदाद थी। This she transferred to him on the understanding that this, ये property के लिए use हुआ है कि ये जो property थी, जायदाद थी, she transferred, उसने transfer करी to him, किसको, him मतलब जुम्मन के नाम पर transfer कर दी, on the understanding, इस समझ पर, that she would stay with him, कि वो उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जो जुम्मन है, वुड लुक आफ्टर हर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। तो क्या समझ थी आपस में, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, इसी भरोसे पर उन्होंने प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करी कि वो अपनी प्रॉपर्टी कर देगी जुम्मन के नाम, और बदले में जुम्मन जो है उनकी देखभाल करेगा बुढ़ापे में। देन द सिचुएशन चेंज्ड, सिचुएशन मतलब स्थिति, तब स्थिति में कुछ बदलाव हुआ। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार, फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा है, वर टायर्ड, वो थक गए, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, बूढ़ी रिलेटिव, रिश्तेदार का सेवा करते करते दोनों के दोनों, जुम्मन और उसके परिवार वाले बिल्कुल ही थक गए। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो इंडिफरेंट जो है उसका मतलब होता है कि परवाह ना करना किसी की। जुम्मन बन गया, बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम बन गया, इतना बेपरवाह उनकी तरफ एज हिज वाइफ, जितना कि उसकी वाइफ, उसकी पत्नी थी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। तो ग्रज मतलब है कि उसको इतना भी फर्क पड़ता था जो छोटा मोटा खाना खाती थी, लिटिल फूड मतलब थोड़ा बहुत जो खाना खाती थी, दैट ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत, वांटेड एवरी डे, जो उनको चाहिए था रोज, एवरी डे मीन्स रोज। तो ग्रज का मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना, नाखुश होना देने में, मतलब उसको गुस्सा आता था, वो खुशी से नहीं देती थी थोड़ा बहुत खाना जो भी बूढ़ी औरत को रोज चाहिए होता था। शी स्वॉलोड स्वॉलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। यहाँ पे जो शी है ये प्रोनाउन है बूढ़ी लेडी के लिए कि उन्होंने स्वॉलो, स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, तो उन्होंने निगला
दीज इंसल्ट्स मतलब जो उनकी यहाँ पे बेइज्जती की गई, अलोंग विद के साथ हर फूड मतलब अपने खाना जब खाती थी खाने के साथ साथ वो अपनी बेइज्जती भी सहती गई फॉर अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों के लिए। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन जो पेशेंस धैर्य होता है उसकी भी अपनी सीमा होती है। लिमिट्स मतलब सीमा, धैर्य की भी अपनी सीमा होती है, कब तक कोई सहेगा चुप रहेगा। यहाँ आप फोटो में देख सकते हो कि बूढ़ी औरत है, ये जुम्मन है और जुम्मन की वाइफ है और ये परेशान हो गए उनसे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उन्होंने, स्पीक का पास्ट टेंस हो गया स्पोक, उन्होंने बोला जुम्मन से, माय सन इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। माय सन बेटे, इट इज ऑब्वियस मतलब क्लियर है, स्पष्ट है, दैट आई एम नॉट वांटेड कि मेरी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर में, इन योर हाउस। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो काइंडली मतलब कृपा करके गिव मी अ मंथली अलाउंस, महीने हर महीने अलाउंस, पैसे का कुछ हिस्सा, सो दैट आई कैन सेटअप, ताकि मैं भी सेटअप कर सकूं एक अलग से सेपरेट अलग किचन रसोई। तो मुझे कृपा करके महीने महीने तुम कुछ पैसे दो ताकि मैं खुद का अपना किचन अलग से सेट कर सकूं। माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो अभी जुम्मन क्या जवाब देता है, मेरी वाइफ नोज मतलब वो जानती है बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका, हाउ टू रन द हाउस, कैसे घर को चलाना है। बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेट जुम्मन शेमलेसली। शेमलेसली मतलब बेशर्मी से उसने, जुम्मन ने ये जवाब दिया अपनी रिश्तेदार को, अपनी आंट को, अपनी आंटी को। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब जब ऐसा जवाब दिया, रूखा जवाब दिया, तो दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, उसने उसकी आंट को, आंटी को क्या किया, बहुत ही गुस्सा दिला दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस, उन्होंने फैसला किया, डिसाइडेड कि वो अपना केस, अपना मुकदमा लेके जाएंगी विलेज पंचायत के पास। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। मैनी डेज, कई दिनों तक ओल्ड लेडी जो ये बूढ़ी औरत थी, वॉज सीन, वो देखी गई टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों से बात करते हुए, एक्सप्लेनिंग और विस्तार से समझाते हुए अपना केस, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट, उनका साथ, सीख मतलब ढूंढने के लिए, पाने के लिए। तो अपना केस वो उनको समझाती थी ताकि थोड़ा बहुत उनको समर्थन मिल जाए गांव वालों से। सम सिंपथाइज विद हर, सिंपति से बना है ये सिंपथाइज, सिंपति मतलब सहानुभूति रखना। तो कुछ लोगों ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई, अदर्स लाफ्ड, कुछ लोग उनके ऊपर हंसे एट हर, एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने तो उनको सलाह भी दी टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो उन्होंने, कुछ लोग क्या सलाह देते थे कि ताकि वो सुलह कर ले, मेक इट अप, सुलह कर ले, दोस्ती कर ले विद हर नेफ्यू। तो नेफ्यू का मतलब होता है भाई का बेटा या बहन का बेटा, या तो भांजा या भतीजा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सुलह कर लो अपने नेफ्यू के साथ और उसकी वाइफ के साथ, उसकी पत्नी के साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। एट लास्ट, आखिरकार शी केम, आई, कम का पास्ट टेंस है, केम, आई अलगू चौधरी के पास, स्पोक टू हिम, स्पीक का पास्ट टेंस है स्पोक, और उससे कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो उन्होंने आके अपना किस्सा जो है किसको सुना दिया, अलकू चौधरी, और अलकू चौधरी जो है वो जुम्मन का फ्रेंड है। तो वो कह रहा है, यू नो चाची, चाची आपको पता है, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जुम्मन तो मेरा प्रिय दोस्त है, सबसे प्रिय दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं उसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ, उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन, तो अलगू ने ये तो बोल दिया कि वो तो मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाऊं। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो जो चाची है उसकी, वो बोल रही है, लेकिन क्या ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम, मम मतलब चुप रहना, एंड नॉट से, और ना कहना, वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो कि तुम समझते हो कि बिल्कुल उचित है। जस्ट एंड फेयर मतलब कि जो उचित है, तो वो ना कह के और दोस्ती बीच में ले आना, क्या ये सही बात है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, तो प्लीडेड मतलब प्रार्थना करी एक तरीके से वो बूढ़ी औरत ने,
कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, वो उसको बोलते हैं कि पंचायत में आओ और सच्चाई बोलो. शी सेड. अलगू डिड नॉट रिप्लाई, तो अलगू ने उनके बात का जवाब नहीं दिया. डिडंट रिप्लाई, डिड के साथ फिर से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उनके शब्द अभी जो कहे गए थे केप्ट रिंगिंग मतलब गूंजते रहे इन हिज ईयर, उसके कानों में, अलकू चौधरी के कानों में उसकी चाची के द्वारा बोले गए शब्द गूंजते रहे कि दोस्ती को बीच में मत लाओ, पंचायत में सच्चाई बता दो, क्या सच है क्या गलत है. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री. तो पंचायत जो है वॉज हेल्ड, वो लगाई गई द सेम इवनिंग, उसी शाम को, अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, तो एक बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसी शाम को पंचायत बिठाई गई. वॉज हेल्ड है वॉज, या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है पैसिव में होता है सेंटेंस, ये भी पैसिव में है. द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. तो ये क्या बोला गया वहां पे कि जो पंचों की आवाज होती है वो तो भगवान की आवाज होती है. तो यहाँ पे स्टूड जो है वो स्टैंड का पास्ट टेंस है कि जुम्मन खड़ा हुआ, उसने बोला कि पंचों की आवाज जो है वो भगवान की आवाज है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. तो वो कहता है, जुम्मन कहता है कि लेट माई आंट, मेरी आंट को नॉमिनेट मतलब चुनने दो द हेड, मुखिया पंच. I will abide by her decision. Abide का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना. तो जो भी जिसको वो सरपंच चुन लेंगी और वो जो भी डिसीजन देगा, जो भी फैसला सुनाएगा, उसको मैं मानूंगा. I will abide by her decision. तो मैं उनका जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करूंगा. The punch knows neither friend nor enemy. फिर से, what do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. देखिए अब यहाँ पे जो ओल्ड लेडी वो है बूढ़ी औरत, वो अनाउंस घोषणा करती है कि जो पंच है उसे न तो दोस्त न दुश्मन की जानकारी होती है, या वो दोस्त या दुश्मन नहीं जानता है जब उसको फैसला देना होता है. व्हाट डू यू से अलगू चौधरी, तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी. तो ओल्ड लेडी ने ये बोला अलगू चौधरी को, क्योंकि उन्होंने उसी को चुन लिया. फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग इज जॉय ओवर हिज Over this unexpected piece of luck. तो वो कहता है ठीक है फाइन, रिप्लाई मतलब जवाब दिया जुम्मन ने हाइडिंग इज जॉय, अपने खुशी को छुपाते हुए, क्योंकि जुम्मन तो खुश हो रहा है कि मेरे दोस्त को ही चुन लिया इन्होंने अभी मुखिया, तो अब वो तो मेरे ही फेवर में जो भी फैसला देगा मेरे फेवर में देगा. जुम्मन हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. पीस ऑफ लक हो गया यहाँ खुशकिस्मती, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उसने इच्छा नहीं की थी, आशा भी नहीं की थी, तो अचानक से उसको लक मतलब कि उसको किस्मत अच्छी लगी अपनी कि ठीक है मेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा अलगू चौधरी का फैसला. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अब अलगू खड़ा तो हो गया मुखिया बन के तो इस फैसले को सुनाने के लिए, लेकिन उससे पहले कहता है कि चाची यू आर अवेयर, आप तो आपको तो पता है मेरी दोस्ती जो कि जुम्मन के साथ है. I know that, replied the aunt. तो उसकी aunt ने क्या बोला, उसकी चाची ने बोला हाँ मुझे पता है, but I also know that you will not kill your conscience. इसको बोलेंगे conscience. Science वाली spelling है देखिए, SCIENCE. तो इसको फिर भी कैसे बोलते हैं conscience, अंतरात्मा की आवाज जो हमें सही और गलत का बोध कराती है, अंतरात्मा की आवाज हमारी चेतना. वो कहती है हाँ मुझे ये तो पता है तुम दोनों दोस्त हो, बट आई ऑल्सो नो, मुझे ये भी पता है दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस, कि तुम अपने चेतना को नहीं मारोगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही सुनोगे, उसको मारोगे नहीं, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंचों के दिल में तो भगवान बसते हैं. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंचों की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है. And the old lady explained her case. और फिर बूढ़ी औरत ने अपने केस जो भी उनका मुद्दा था उसको सबके सामने रखा. जुम्मन said अलगू. तो अब अलगू शुरू करता है अपना फैसला देना. कहता है जुम्मन you and I are old friends. हम दोनों तुम और मैं पुराने दोस्त हैं. Your aunt is as dear to me as you. तुम्हारी aunt तुम्हारी जो ये आंटी है वो मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम. As dear to me as you,
तुम जितने प्रिय हो वो भी मुझे उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्रिय है। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन इस समय मैं पंच की कुर्सी पर हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो तुम और तुम्हारी जो आंट है, आंटी हैं, वो दोनों बिल्कुल बराबर है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी पंच बना हुआ हूँ। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुमको अपने डिफेंस में क्या कहना है, तुमको अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है। 3 years अगो बिगैन जुम्मन, तो अब जुम्मन अपना केस सामने रखता है, वो बोलता है 3 years अगो, 3 साल पहले, अगो मतलब पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने ट्रांसफर की अपनी जायदाद मेरे नाम पर। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, तो मैंने भी वादा किया टू सपोर्ट, उनका ध्यान रखूंगा। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जितनी भी टाइम तक वो जिंदा रहती है, एज लॉन्ग एज जब तक भी वो जिंदा रहती है, लिव्ड। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना जो मेरे से हो सका मैंने किया। आई हैव डन, मैंने किया ऑल आई कुड, जो भी मुझसे हो सका। देयर हैव बिन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, देयर हैव बिन, होते रहे हैं अ कपल ऑफ क्वारल, क्वारल मतलब झगड़े, कुछ झगड़े बिटवीन, बीच में मेरी वाइफ के और इनके बीच में कुछ झगड़े भी होते रहे हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं तो उन्हें रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब नाउ अब मेरी आंटी जो है, अब वो मुझसे मांग रही है एक हर एक महीने कुछ पैसे मुझसे मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही सब कुछ है जो मुझे कहना है अपने बचाव में। मैंने अपना केस आप लोगों के सामने, पंचों के सामने रख दिया। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो जुम्मन क्रॉस एग्जामिन्ड है कि उससे सवाल जवाब किए गए, जुम्मन से। वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड, ठीक है, तो पैसिव में है ये वाला सेंटेंस। अलगू और दूसरे लोगों ने उसको सवाल जवाब पूछे, देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने फाइनली जो है फैसला किया, घोषणा दी। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, जो ये पूरा केस हमारे सामने आया है, हमने बहुत ध्यान से इसको समझा है, सुना है सबकी बातें। इन आर ओपिनियन, हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को जरूर ही पे करना चाहिए, देना चाहिए आंट अ मंथली अलाउंस, तो हर महीने उसको कुछ पैसे जरूर देने चाहिए अपनी आंटी को। और एल्स, नहीं तो, और एल्स मीन्स नहीं तो, द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जो भी उनकी जायदाद है, गोज बैक मतलब उनके नाम पर वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो अब जब ये फैसला हो गया उसके बाद ये दोनों दोस्त थे जुम्मन और अलगू चौधरी, वर सेल्डम सीन टुगेदर, वो कभी कभार ही साथ नजर आते थे, अब तो उनकी दोस्ती दुश्मनी में ही बदल गई। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, तो जो एक रिश्ता था दोस्ती का दोनों के बीच में, वो टूट गया। वॉज ब्रोकन, वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव में है सेंटेंस। इन फैक्ट, वास्तव में जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, तो जुम्मन जो है वो बन गया अलगू का दुश्मन और वो चाहता था बदला लेना, रिवेंज मतलब बदला, वॉन्टेड चाहता था, और एनिमी होता है दुश्मन। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, डेज मतलब कुछ दिन बीत गए, इल लक वुड हैव इट, जैसे कि बुरी किस्मत को मंजूर था, एक तरीका होता है बोलने का एज लक वुड हैव इट, जैसे कि किस्मत को मंजूर था, यहाँ इल लक दिया हुआ है तो बदकिस्मती से। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट जो फ्रेज है उसका मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन स्थिति में, अलगू चौधरी ने पाया अपने आप को एक बहुत ही कठिन स्थिति में। वन ऑफ हिज, ये जो फाउंड है वो फाइंड का पास्ट टेंस है, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, वन एक पेयर में से मतलब कि जो जोड़ी होती है, अच्छे बैल थे उनमें से एक जो जोड़ा था उसमें से एक बैल जो है वो मर गया, एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और जो दूसरा था उसने सोल्ड, सेल का पास्ट टेंस है सोल्ड, उसने बेचा जो दूसरा बैल था समझू साहू को, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव में गाड़ी चलाता था, कार्ट मतलब बैलगाड़ी चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, तो दोनों के बीच में आपसी समझ क्या थी
कि साहू जो है, समझू साहू, वुड पे द प्राइस, वो उसको पैसे दे देगा ऑफ द बुलक, इस बैल के, एक महीने के टाइम के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर. इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. इट सो हैपन, हुआ ऐसे कि जो बैल था जिसको उसने खरीदा था, पैसे तो वो अभी देगा एक मंथ के टाइम में, वो क्या है, डाइड विद इन अ मंथ, वो एक महीना पूरा भी नहीं हुआ उसके अंदर ही वो मर गया. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड. सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, आफ्टर द बुलक्स डेथ, बैल की मृत्यु के बाद, अलगू रिमाइंडेड, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिमाइंडेड याद दिलाया साहू को अलगू ने ऑफ द मनी, उस पैसे के बारे में, विच ही हैड नॉट येट पेड, जो उसने अभी तक पे भी नहीं किया था, नहीं चुकाया था. अब जैसे वो बैल मर गया तो साहू ने जो है बैल की कीमत नहीं चुकाई. साहू गॉट वेरी अनॉयड, तो जब ऐसा बोला अलगू ने उसे, तो साहू गॉट वेरी अनॉयड, मतलब अनॉय मीन्स गुस्सा हो गया, साहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट, डब्लू साइलेंट है, रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी. आई कांट पे, मैं तो तुमको एक पैसा भी नहीं दे सकता उस बेकार से जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा. यू सोल्ड मी, सेल का पास्ट टेंस है, सोल्ड, जो तुमने मुझे बेचा, मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा उस बेकार से जानवर के लिए. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट टेंस हो गया, वो लाया हमारे लिए बस बर्बादी, इसके अलावा कुछ भी नहीं. नथिंग बट रुइन, रुइन मतलब बर्बादी, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लेकर आया वो हमारे लिए. आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. तो आप ऐसा करो कि इसको, मेरे पास जो बैल है उसको एक महीने तक यूज कर लो और तब मुझे वापस कर देना. नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, कोई पैसे नहीं मिलेंगे जो मर गया है बैल उसके लिए, ही सेड एंग्रीली, गुस्से में उसने इस तरीके से जवाब दिया अलगू को, साहू ने जवाब दिया. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने फिर से फैसला किया कि वो ले जाएगा इस केस को पंचायत के पास. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, प्रेपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड. फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन अ फ्यू मंथ्स, अब कुछ महीने के अंतराल में दूसरी बार हो रहा था कि बैठक हुई पंचों की. प्रेपरेशंस, तैयारियां फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, कि पंचायत बिठाने के लिए तैयारियां हुई. एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, दोनों पार्टीज, एक तो हो गया साहू, समझू साहू की पार्टी, मतलब वो और उसके रिश्तेदार जो है मिलकर लोगों से बात करने लगे. दूसरा कौन है ये, अलगू, वो भी अपना केस जो है लोगों के साथ डिस्कस करने लगा. बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, लोगों से मिलने लगे, सीकिंग देयर सपोर्ट, समर्थन हासिल करने के लिए, सीकिंग ढूंढने के लिए, और सपोर्ट हो गया समर्थन. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, अब ये वाली पंचायत वॉज हेल्ड, वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में होता है वाला सेंटेंस, तो वो भी जो पंचायत थी वो बिठाई गई अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे. अलगू स्टूड अप एंड सेड, स्टैंड का पास्ट टेंस है, स्टूड, खड़ा हुआ अलगू और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज भगवान की आवाज की तरह होती है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. तो लेट मतलब चुनने दीजिए, नॉमिनेट होता है चुनने दीजिए, साहू को ही हेड पंच, हेड पंच चुन लेगा वो, और मैं अबाइड मतलब मानूंगा डिसीजन, फैसला, जो भी फैसला होगा मैं उसको मानूंगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू को तो पता था कि अगर मैं अभी जुम्मन को चुन लूं तो अब तो ये लोग बन गए हैं दुश्मन. साहू सॉ हिज चांस, तो उसने मौका देखा, सी का पास्ट टेंस है, सॉ देखा, चांस मौका, एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने नाम जो आगे रखा वो किसका था, जुम्मन का नाम. अलगूज हार्ट सैंक, उसे दुख हुआ, एंड ही टर्न पेल, पेल मतलब पीला पड़ गया, ठीक है, वो बिल्कुल ही डर गया और वो पीला पड़ गया. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो करता भी तो क्या करता. द मोमेंट, मोमेंट मतलब पल या क्षण या जिस समय जुम्मन बिकेम हेड पंच, जब जिस समय जुम्मन जो है बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस, बना हेड पंच, जब वो हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने रियलाइज मतलब समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य भावना को समझा, एज जज, जज की हैसियत से उसने
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य को समझा एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. डिग्निटी मीन्स सम्मान, और अपने ऑफिस का जो सम्मान होता है तो वो भी उसको समझ में आया, क्योंकि अब वो बिल्कुल एक बड़े ओहदे पर उसको रखा गया है, उसको पंच बनाया गया है, तो उसको अपने सारे गिले शिकवे पुराने भूल कर फैसला देना है. तो उसने वो समझ लिया, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. रिवेंज मतलब बदला, सीटेड मीन्स बैठकर. कुड ही, क्या वो सीटेड इन दैट हाई प्लेस, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर जो कि जज की कुर्सी है, हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो इस कुर्सी पर बैठकर बदला ले सकता है, अपना व्यक्तिगत बदला ले सकता है क्या. ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा. थिंक का पास्ट टेंस है थॉट. उसने सोचा और सोचा. नो ही मस्ट नॉट, नहीं उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए. ये आप देख सकते हो बरगद के पेड़ के नीचे जो है पंचायत बैठी हुई है. ही शुड नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, फीलिंग्स है भावनाएं, तो उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी व्यक्तिगत भावनाएं टू कम इन द वे, वो रास्ते में आ जाए ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, सच बोलने के और न्याय करने के बीच में आ जाए. तो ये वो नहीं चाहता था कि उसकी पर्सनल जो उसकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, अभी तो उसकी दुश्मनी चल रही है अलगू के साथ, तो ये जो है दुश्मनी की भावना बीच में ना आ जाए, क्योंकि अभी वो जिस ओहदे पर बैठा है, जज बना है, यहाँ पे हमको पर्सनल फीलिंग्स ये हमको त्यागना होता है. जो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत समझ होती है, सोच होती है, जो भावनाएं होती है, वो त्यागनी होती है. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अब दोनों ने, अलगू ने भी और साहू ने भी अपने अपने केस लोगों के सामने रखे, अपने अपने जो भी उसके मुकदमे का केस था वो सामने रखा. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. दोनों के दोनों को प्रश्न पूछे गए, अलग अलग लोगों ने प्रश्न दिए, पूछे, उन्होंने उत्तर दिए. एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और केस के ऊपर फिर सोच विचार किया गया गहराई से, डीपली गहराई से. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड. अब सोच विचार करने के बाद फिर जुम्मन स्टूड अप, उठा, अनाउंस्ड, घोषणा करी. इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. आवर ओपिनियन, हमारा पूरे पंचों का फैसला है ये कि साहू जो है उसे पे करना पड़ेगा अलगू को प्राइस ऑफ द बुलक, जो कि बैल की कीमत थी, वो पूरी पे करनी पड़ेगी. व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने, बाय का पास्ट टेंस है बॉट, खरीदा वो बैल, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, उसको कोई बीमारी थी, कोई दुख तकलीफ नहीं थी जब खरीदा गया था. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, तो अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य की बात है कि वो जो बैल है वो मर गया. बट अलगू कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू इसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वो बैल मर गया एक महीने की अवधि के अंदर. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, जब अलगू के फेवर में फैसला सुनाया गया तो कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, फीलिंग्स भावनाएं, कंटेन यहाँ पे है कि काबू नहीं कर पाया, अपनी भावनाओं पर वो काबू नहीं कर पाया. ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और उसने जोर से बोलना शुरू किया. सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार. विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री मतलब जीत, तो पंचायत की जीत. दिस इज जस्टिस, यही न्याय है. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंचों की आवाज जो है वही भगवान की आवाज होती है. ये उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, सून आफ्टर इसी के बाद जुम्मन जो है वो आया, कम का पास्ट टेंस हो गया, केम, आया अलगू के पास. एम्ब्रेस्ड मतलब उसको गले लगाया, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत के समय से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. हैड के साथ देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये पूरा सेंटेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि पिछले टाइम से, जब से पंचायत हुई थी तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था. टुडे आई रियलाइज, आज मुझे समझ आया व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच. मीन का पास्ट टेंस है मेंट, क्या मतलब होता है पंच होना, ये मुझे आज समझ में आया. अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, अ पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है. ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ न्याय का पता होता है. लेट नो वन डिविएट, डिविएट
फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ. तो जस्टिस हो गया न्याय, पाथ है रास्ता, डिविएट होता है विचलित होना या भटकना. कोई भी न्याय के रास्ते से विचलित ना हो, न्याय के रास्ते से ना भटके, एंड ट्रूथ और सच्चाई के रास्ते से भी ना भटके. फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, दोस्ती के लिए और दुश्मनी के लिए. तो इनको ध्यान में रख के वो ऐसा ना हो कि अपने रास्ते से भटक जाए. तो वो प्रार्थना कर रहा है और बता रहा है कि लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ. कोई भी सच्चाई और न्याय के रास्ते से विचलित ना हो, दोस्ती के लिए या दुश्मनी के लिए, चाहे वो जिस चीज़ के लिए भी हो. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोया. वीप का पास टेंस हो गया, वेप्ट रोना, एम्ब्रेस गले लगाना. तो अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और वो रोया. ऑल हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और जब उसके आंसू बहने लगे, ऑल हिज टीयर्स, उसके आंसू, वॉश्ड अवे, उन्होंने भिगो के दूर कर दिया ऑल द डर्ट, जितनी भी गंदगी थी, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी की, बिटवीन देम, और आंसुओं के साथ साथ बह गई दूर जितनी भी गलत फहमियाँ थी दोनों लोगों के, दोनों दोस्तों के बीच में. तो अब दोनों के दोनों फिर से दोस्त बन गए और ये उनको अपने अपने टाइम पे समझ आ गया. और ये कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने. फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी. इसी के साथ स्टोरी को लाइक कर दीजिए और किसी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. अगले वीडियो में मिलते हैं.